प्रणाम पितामह, प्रणाम गुरुवर। इस समय कैसे आए पुत्र? मैं आपके पास एक निवेदन लेकर आया हूँ पितामह। अब और क्या चाहते हो वत्स? ये तो आप जानते ही हैं पितामह कि युद्ध की तो ठहर चुकी है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि आप हस्तिनापुर सेना का प्रधान सेनापति बनना स्वीकार करें। इस सम्मान के लिए अपने गुरु आचार्य द्रोण को आमंत्रित क्यों नहीं करते पुत्र? अब आपके होते हुए पुत्र दुर्योधन भला किसी और के विषय में कैसे सोच सकता है ताजश्री? पितामह, जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। उठो वत्स, उठो, मुझे यह उत्तरदायित्व स्वीकार है। पितामह, अब तो तुम्हारी विजय में संदेह ही नहीं है भांजे दुर्योधन। परंतु एक बात अभी ध्यान से सुन लो पुत्र दुर्योधन, पांडव भी मुझे तुमसे कम प्रिय नहीं है, फिर भी मैं इस युद्ध में तुम्हारे साथ हूं। मैं प्रतिदिन उनके 10,000 योद्धा और सैनिकों का वध भी करूंगा, किंतु अर्जुन फिर अर्जुन है वत्स, वो मुझे पराजित भी कर सकता है और मेरी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। आप अर्जुन की चिंता न कीजिए गंगा पुत्र, उसके शव पर मेरा अधिकार है। मुझे अपनी बात समाप्त करने दो अंगराज। किंतु जिस सेना का सेनापति मैं हूं दुर्योधन, उस सेना में अंगराज कर्ण के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। वैसे भी हमारे बीच कड़वाहटों की एक नदी है, मैं नहीं चाहता कि इस नदी का पाट और बढ़े। यदि ऐसा है तो मन मैला न करो मित्र, मैं तो स्वयं ही गंगा पुत्र भीष्म के ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता। इनके होते हुए तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी युद्ध में, क्योंकि ये तो मेरे गुरु के सर्वश्रेष्ठ शिष्य हैं। परंतु मैं तुम्हें यह वचन अवश्य देता हूं कि यदि ये वीर गति को प्राप्त हो गए तो मैं अपना धनुष लेकर रणभूमि में आ जाऊंगा। तो मुझे आज्ञा है पितामह। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है वत्स। अभी भी कुछ कहने को रह गया है ताजश्री? हाँ गंधार नरेश, अभी भी कुछ कहना रह गया है। मैं पांडु पुत्रों के प्राण नहीं लूंगा। ये तो बड़े आश्चर्य का विषय है गंगा पुत्र कि आप सेनापति होंगे और शत्रुओं के प्राण नहीं लेंगे। दुर्योधन के शत्रु वे सैनिक नहीं है जो युधिष्ठिर के ध्वज तले युद्ध कर रहे होंगे। दुर्योधन के शत्रु वे राजा महाराजा वे योद्धा भी नहीं होंगे जो युधिष्ठिर की ओर से युद्ध करने आएंगे। दुर्योधन के शत्रु वे 5 पांडव हैं और आप उन्हीं पर वाण नहीं चलाएंगे। मान लो मित्र दुर्योधन, पितामह की यह बात भी मान लो, परंतु मुझे आज्ञा दो गंगा पुत्र, क्योंकि मुझसे तो इस कक्ष में सांस भी नहीं लिया जा रहा। अंगराज, कौरव सेनापति बनू अगर शर्त लो मान, पांडव धर्म प्रतीक है हरूण